हेलो फ्रेंड्स, जर्नी ऑफ फूड में मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग अपने सेहत का कुछ खास ख्याल रखते हैं, तो आज हम ऐसी एक डिश ट्राई करने वाले हैं वो आपको चाट का एक स्वाद तो देगी मगर अपने सेहत का भी खास ख्याल रखेगी। कुछ अजीब लगा ना? मुझे भी लगा था, मगर यकीन मानिए जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए ट्राई करते हैं कुछ हेल्दी वाला चाट। जो लोग डाइट करते हैं और जो लोग फिटनेस का ख्याल रखते हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि एक बार ये डिश ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए जानते हैं इस डिश के पीछे की जर्नी सागर कोरे जी के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इस कैफ़े की शुरुआत कैसे हुई और शुरुआत में आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? पहली बात तो मेरा पहले कैफ़े नहीं था, एक फूड स्टॉल था। फूड स्टॉल पे कस्टमर आते थे, कस्टमर की भीड़ बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो भी मैंने सोचा कि बाबा अपने कस्टमर के बैठने के लिए एक छोटा सा कैफे हम चालू करेंगे, इसलिए मैंने जेएमबी चाट के कैफे चालू किया। सर, खाने में इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है लेकिन आपने यही डिश क्यों चुनी? ये डिश चुनने के पीछे भी एक कारण है। बाकी मार्केट में, हर रेस्टोरेंट में, होटल में बहुत सारे फूड मिलते हैं, फ्राई फूड रहते हैं, फैटी रहते हैं, लेकिन जो मैंने फूड चुना ब्रोकली चाट, वो सेहत के लिए अच्छा है। ब्रोकली आदमी के सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है। बाद में फ्रूट भी आदमी के सेहत के लिए अच्छा है और वो खाने के बाद आदमी का पेट भी भरता है और आदमी हैप्पी भी रहता है, इसलिए मैंने ब्रोकली चाट चालू किया। अच्छा सर, आपको क्या लगता है आपकी ये डिश लोगों में इतनी पॉपुलर क्यों बनी? पॉपुलर बनी इसलिए कि ये हेल्दी फूड है और टेस्टी भी है, इसलिए इतनी पॉपुलर होगी। सर, इस डिश में आप कौन से मैजिकल इन्ग्रीडियंट्स डालते हो जिससे ये इतनी टेस्टी बनती है? अच्छे क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स और सीजनेबल फ्रूट्स जो सेहत के लिए अच्छे हैं वो यूज़ करते हैं। अच्छा सर, रोज़ाना इस डिश की कितनी डिमांड होती है? अपने पास ब्रोकली चाट छोड़ के और भी बहुत सारे चाट है जो यूनिक है, फ्यूजन है, अलग है पूरे। जैसे कि पान चाट, जो अपना पान रहता है बनारस पान, उसका चाट। बाद में अपना टूफू आता है, सोयाबीन का टूफू, उसका टूफू बना के उसका चाट। बाद में अपना तंदूर दम चाट, ऐसे अलग अलग चाट हमारे पास, फ्यूजन अलग है पूरा, हट के सब
अलग अलग चाट है। मिनिमम मेरे पास डेली रोज के 700-800 प्लेट टोटल मिला के डिश जाते हैं। सर, ऑनलाइन फूड डिलीवरी के जितने भी ऐप्स हैं उनमें से कौन से ऐप पर आपकी डिश अवेलेबल है या फिर आप खुद डिलीवरी करते हो? अभी तो मार्केट सब ऑनलाइन चालू है, इसलिए जो ऑनलाइन पे स्विगी, जोमेटो और हमारे खुद के भी है डिलीवरी बॉय हैं, हम सब ऑनलाइन पे डिलीवरी दे देते। तो सर मुझे बताइए आपके इस कैफ़े की टाइमिंग क्या है? दोपहर से 12 बजे से रात को 10 बजे तक, ए टाइम में आप कभी भी आओ, आपके स्वागत के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके आगे के जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो दोस्तों, COVID-19 में हमने हमारी रोज़ाना ज़िंदगी का कुछ खास तरीके से ख्याल रखा है। जैसे हमने हमारे शरीर के हाइजीन का ख्याल रखा है, वैसे ही अपने आसपास सफाई बनाए रखना ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसलिए जर्नी ऑफ फूड की तरफ से हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप जो भी खाएं, जहाँ भी खाएं, उसका रैपर या कचरा इधर उधर मत फेंकिए, उसे डस्टबिन में ही फेंकिए, क्योंकि आगे चलकर हमें किसी और महामारी का सामना ना करना पड़े। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, आपसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।